अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक होंगे। और आपको मेरा पिछला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा तो। और अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा हमारे पास आज का दिन जो है वो फुल ऑफ सरप्राइज है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है। हाँ, एक आइडिया ये है कि मुझे क्लास के लिए जाना है, उसके बाद क्या करना है नो आइडिया। सो लेट्स सी आज का दिन कहाँ ले जा रहा है। और दूसरी बात कि पिछले ब्लॉग में मैंने दो बातें की थी, एक कॉफ़ी की और दूसरी सीरियल्स की। तो देखें, कॉफ़ी में भी हर किसी की अपनी पसंद है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी का कैसा टेस्ट है। तो ये जो था ये मेरा टेस्ट था। अगर आपको आप डिफर करते हैं नहीं कि भाई मैंने भी ट्राई की हुई है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, तो वो हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ कि ये मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे कैसी कॉफ़ी अच्छी लगती है क्या। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे। और सीरियल्स में भी ऐसे ही कि अगर आपको कोई एक अच्छा लगता है और मुझे नहीं लगता तो कोई बात नहीं, उसमें ये मेरी प्रेफरेंस है, आपकी प्रेफरेंस अलग होगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस एक जैसी होती है, बहुत सी लोगों की अलग होती है। तो एक ही घर में बहुत से लोगों की अलग अलग होती है, तो उसका कोई मसला ही नहीं है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, डिस्क्रिमिनेट करता चलूँ कि ये चीज़ ऐसे है। सो देखते हैं आज का दिन कहाँ ले जाता है हमें। उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। सो दैट्स इट। तो अभी हम आ चुके हैं एक जंगल में, जहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के फल फूल उग रहे हैं। इस तरफ भी देखें आप, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है गाइस। खैर, ये तो भाई किसी काम दिन के नहीं रहे अभी, क्योंकि सर्दी जो है वो आते ही चली गई। और बाकी के जो चीज़ें हैं वो ऐसा ही लगता है, हमेशा जब भी मैं अपनी अलमारी खोलता हूँ तब ऐसा लगता है कि मेरे पास पहनने को कुछ है नहीं। और यहाँ पे भी इतनी सारी शर्ट्स रखी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को। तो खैर, ऑर्गेनाइज तो काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है ना। खैर, ये देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर बहुत सारा कचरा है। और इससे मिलिए, ये है मेरी पसंदीदा 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 चिप्स। खैर, ये भी है और इसके अलावा दूसरी भी है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। वो आपने शायद ट्राई की भी होगी, लेकिन ये जो है इसका लेवल अलग है। एक ये है, ये भी काफ़ी अच्छी है। आई मीन अपने प्राइस और टेस्ट के हिसाब से इट्स ऑसम सीरियसली। और जो है ये देखिए, सस्ते व्लॉगर का जो ट्राईपोड पड़ा हुआ है, जो मैंने तकरीबन 250 रुपये में मंगवाया था दराज से, और ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये मोबाइल के वेट को ही नहीं बेयर कर पाता। खैर, यहाँ आप नहीं देखें तो अच्छा है। और ये मेरे दो अनमोल रतन, इसमें मैं लैपटॉप वगैरह रखता हूँ, और ये मैं ले जाता हूँ इंस्टीट्यूट, इसमें किताबें वगैरह रखता हूँ। तो दैट्स इट। आपको मैंने वार्डरोब का टूर दे दिया, उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। आई मीन सीरियसली, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी देखने को नहीं है। सो खैर, चलिए आगे मिलते हैं आपसे। मेरे हसीन बालों को इग्नोर कीजिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हसीन बाल हैं मेरे। खैर, इनको इग्नोर कीजिए। और मुझे आपसे एक बात करनी थी, यही कि अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे ब्लॉग्स के लिए, या कोई ऐसा आप चाहें कि मैं कोई चैलेंज वगैरह करूं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत है ना चैलेंजेस, तो अगर है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। जोलो चिप जो है उसका मैं ज़रूर चैलेंज करूंगा, क्योंकि मुझे स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मैंने सुना है कि इतनी वो खास स्पाइसी है नहीं जितनी वो यूट्यूबर्स कर देते हैं कि भाई नहीं ये तो स्पाइसी, हम तो मर गए। खैर, वो तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर कोई सजेशन देना हो आपको तो आप ज़रूर दें, क्योंकि आई एम ओपन टू सजेशंस। और कंटेंट की कमी भी है। सो दैट्स
दैट्स वेरी सीरियस थिंग। अभी हम जा रहे हैं सुपरमार्केट ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, यू नो ग्रॉसरी शॉपिंग थोड़ा बर्गर लगता है तो बोलते हैं। और उसके अलावा अब देखते हैं वहाँ पे कोई शॉट अगर लेने के लायक हुआ कोई चीज़ ऐसी की तो ज़रूर लेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पैकेज आज ही डिलीवर हो जाएगा, जो कि मैंने आज ही ऑर्डर किया था और वो आज ही डिलीवर हो गया। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि दराज से तकरीबन एक हफ़्ता तो लग ही जाता है ख्वाम खाम ही। तो चलें हम देखते हैं कि कैसे पैक्ड है और आपको भी दिखाते हैं। और ये देखें देखिए, यूट्यूबर बनने के लिए आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए ताकि आप किसी भी चीज़ की कभी भी कहीं भी अनबॉक्सिंग कर सकें। तो मेरा हाथ ही ना कट जाए। अबे तू काट सकता है? काटती तो वो थी। जस्ट किडिंग। पैकिंग तो बड़ी कमाल है भाई, ये काट ही नहीं रहा है। गाइस गाइस, आपका बर्गर बॉय आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा रहा है चोलो चिप की, और आपके बर्गर बॉय का जो है माइक ही नहीं चल रहा। सॉरी, माइक चल रहा है, माइक चल रहा है, कटर नहीं चल रहा। तो इस चाकू को मैं क्या नाम दूँ? काम कर ले बेटा, काम कर ले। मुझे बस ये है कि मैं इसकी पैकेजिंग को जो है अंदर वाली लेयर है उसको मैं टेयर ना कर दूँ, फाड़ ना दूँ। यार मैं कुछ ज़्यादा ही बर्गर बन रहा हूँ मेरे ख्याल से, है ना? आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। ओ गाइस, अनबॉक्सिंग तो होती रहेगी लेकिन बबल रैप बहुत ही आजकल कम आता है, तो पहले हम उनसे खेल लेते हैं। थोड़ा मैं माइक के पास कर लेता हूँ ताकि आपको यू नो ASMR वीडियोस का लुत्फ भी आ जाए। आपको मेरे ब्लॉग में हर चीज़ मिलेगी। खैर, ये जैसे वो मोबाइल की वीडियोस में करते हैं कि डिवाइस को साइड पे रख के बोलते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे और हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। उस उतनी देर में वो बाकी की जो उनकी हरकतें होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो इस पे बड़ा सा लेबल भी लगा हुआ है और इसको हम यहाँ से भी खोल लेते हैं। चाकू चाकू, काम कर ले, कुछ तो नाम इज्जत रख ले। और फाइनली गाइस, ये जो है खुल गई और 25 तक, ये आई गेस ये 25 तक है। तो मुझे ये मिली थी, इस पर डिस्काउंट था 50% का, आई गेस डिस्काउंट था। तो ये मुझे मिली थी 999 में और डिलीवरी चार्जेस थे उसके 70 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से इसकी यही वजह थी कि क्योंकि ये 2000 में वैसे मिल रही थी, इसकी यही वजह थी कि इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बहुत ही जल्दी है और मुझे इससे पहले बनाना होगा इसका जो मैं टेस्ट करूँगा आपके सामने, एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। तो ये देखें इसकी पैकेजिंग कुछ यूँ है और अंदर से मैं आपको ये दिखाऊँगा उसी दिन। वैसे इस पर बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, देखते हैं कि ये बातें कितनी सच हैं। ईट एट योर ओन रिस्क,
नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट, वाह कमज़ोर दिल वालों ये आपके लिए नहीं। नॉट एवरी वन विल इन्जॉय द एक्सट्रीम हीट, लेट्स सी देखते हैं। डू नॉट ईट इफ़ यू आर अ सेंसिटिव टू स्पाइसी फूड्स, एलर्जिक टू पेपर्स, नाइट शेड्स और कैप्सिकन्स। कैप्सिकन्स होती हैं, मुझे पता नहीं था, आई गेस मुझे लगा था कैप्सिकम होती हैं, जो भी है। और आर प्रेगनेंट, ओ माई गॉड, खैर आफ्टर दिस हेल शुड बी ईजी। हाँ भाई यही खा लेते हैं, हेल ईजी लगेगी। अर्न योर स्पॉट ऑन जोलो चिप वॉल ऑफ फेम, सी इनसाइड फॉर डिटेल, #टैग लास्ट चिप चैलेंज। खैर देखेंगे क्या है। और ये दोबारा से रीपैक की गई, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं इसको अनपैक कर दूँ यहाँ से। वाह ये तो बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। ओके इसके अंदर कुछ और भी लिखा है, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। और ये गाइस ये आपको सिर्फ एक चिप मिलती है इतने बड़े पैकेज में, तो आपकी मर्जी है। टेक अ पिक्चर ऑफ जोलो चिप एंड गिव अस अ रिव्यू ऑन आर दराज एंड गेट अ गिफ्ट आइटम फ्रॉम अस। इतना भाई मुझसे नहीं होता, आप लोग खुद ही कर लो, आप लोग खुद ही मुझे गिफ्ट भेज दो। खैर हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी आपके सामने, तो उम्मीद है आपको ये इसकी अनबॉक्सिंग देख के अच्छा लगा होगा। मेरे ख्याल से तकरीबन हर यूट्यूबर इसकी अनबॉक्सिंग भी कर चुका है, इसका रिव्यू भी कर चुका है, लेकिन कंटेंट की शदीद किल्लत होते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये कर लूँ, क्यों यू नो हाउ ओरिजिनल। खैर तो आपसे मिलते हैं अगली शॉट में। तो उम्मीद है आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, ऐसा कुछ उसमें लगने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी लगी होगी और आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। वैसे आज हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको, मैंने कोशिश की गाइस, मैंने कोशिश की आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि मुझे बहुत ही हैरत हुई जब मुझे ये पता चला कि मेरे 46% व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने, तो प्लीज़ ये जुल्म ना करें और सब्सक्राइब कर दें। आप जैसे ही वीडियो देखें तो आप सब्सक्राइब भी कर दें आपके पास, और नोटिफिकेशंस भी ऑल पे कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी सही से दिख जाए और आप उन्हें देखें। अगर आपको नई मूड हो रहा तो वो अलग बात है देखने का। खैर फिर भी यार सब्सक्राइब कर दें, अगर आप देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा और स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट व्लॉग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। सो इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।